आपको पता है N95 फेस मास्क क्या है? हाँ जी बिल्कुल, अरे कोरोना की महामारी के बाद किसको नहीं पता। अच्छा बताओ, N95 में ऐसा क्या स्पेशल है जो दूसरे मास्क में नहीं है? N95 कोविड पार्टिकल से 95% तक प्रोटेक्ट करता है। सही कहा। अच्छा आप ये बताओ कि N95 मास्क को कौन सर्टिफाई करता है? ये तो नहीं पता। और ये बताओ कि भारत में कौन मैन्युफैक्चर करता है N95 मास्क? ये भी नहीं पता। और ये बताओ कि ये तुम जो N95 पहनते हो वो कैसे पता कि सर्टिफाइड है? ये भी नहीं पता। तभी तो, N95 एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसको अमेरिका की नियोश एजेंसी सर्टिफाई करती है। भारत में अधिकतर N95 मार्क वाले मास्क अनसर्टिफाइड हैं। अरे जब हम वैक्सीन भी भारत की ले रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं? इसीलिए जरूरी है भारत के IS 9473:2002 स्टैंडर्ड को समझना। IS 9473:2002 ये क्या है? BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत की सर्वोच्च सर्टिफिकेशन बॉडी है, जैसे नायोश अमेरिका के लिए, और IS 9473:2002 स्टैंडर्ड भारतीय मास्क को सर्टिफाई करता है। अच्छा। हाँ, जैसे N95 95% कोविड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, भारत का FFP2 भी बिल्कुल सेम है। और यही नहीं, भारत का FFP3 99% तक कोविड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। जी हाँ, अब अगर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है तो भारतीय स्टैंडर्ड पर भरोसा रखिए और FFP2 मार्किंग वाले मास्क ही लीजिए। आज से IS 9473:2002 स्टैंडर्ड वाले FFP2 या FFP3 मास्क ही पहनूंगा। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये मास्क सही है? हर भारतीय कंपनी जो IS 9473:2002 मास्क बनाती है उनके पास खुद की टेस्टिंग लैब होती है और उनके मास्क पर ISI मार्किंग होती है, और हर ऐसे मैन्युफैक्चरर का खुद का CML कोड भी होगा जिससे ये पता चलेगा कि वो BIS द्वारा भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर है। अब मास्क खरीदते समय ISI और CML नंबर देखना न भूलें। आत्मनिर्भर बनो, भारतीय स्टैंडर्ड्स पर भरोसा करो, IS 9473:2002 FFP2 मास्क ही पहनो।